अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूँ शयान। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लाया हूँ एक वीडियो। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। ये साइड वीडियो कह लें आप, यानी कि मेकिंग ऑफ क्या कहते हैं छापाक के अंदर जो चल रही है वीडियो, इसका नाम है मुहदिखाई 2.0। शायद ये कुछ सॉन्ग होने वाला है या कुछ होने वाला है। बाकी जो वीडियो है वो देख लेते हैं। सॉन्ग तो इस टाइम नहीं है, जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो सॉन्ग नहीं है, तो बाकी बातें बाद में करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सीधा चलते हैं सॉन्ग की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने दोस्तों इसका मूवी का ट्रेलर नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। इस वीडियो को यहीं स्टॉप कीजिए और लिंक यहाँ पर आपको मिलेगा, जाके देख के आइए ट्रेलर। ट्रेलर बहुत अच्छी मूवी बनाई गई है। किस तरीके से एक रियल इंसिडेंट को, एक ट्रू स्टोरी को पोर्ट्रे किया दीपिका ने, बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से पोर्ट्रेट किया। जरूर देखिए दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो देखने की। तो आइए दोस्तों सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। It's a strange dichotomy because at the one level we are fighting for feminism and women's rights, and at another level women are put on a pedestal where their beauty is at a premium, which is why taking away the beauty, attacking her with acid, has become a weapon of choice. And it's time we challenged that, what muhdikhai is. When I met these girls, the first step is when they see themselves in the mirror and the person looking back at them doesn't look like what they used to, but eventually their spirit takes over and what they're looking like in the mirror doesn't matter anymore. What inspires me about them is their spirit. They've chosen to not be victims. They've chosen to be victorious. So we actually have 4 survivors who are in the film. And it's amazing to see them perform in front of the camera with no inhibitions whatsoever. Aapne sirf chal ke nikal jana. Action. Set pe bahut maza aaya. Bahut acha lagta tha, puri team bahut achhi hai aur sab log ko ne na matlab ek family ki tarah apna pyar diya. Oh hi. For me, that memory was fun, it was emotional, liberating. It was a revelation to see how comfortable and confident they were. Aap ko ajnabi. Chai piye ka definitely cup na le. Nahi sir, aur chai chahiye. Are chai aur de do. For the longest time, these girls were hesitant to be out in the open with their faces uncovered. Jaise hi maine face open kiya tha, मुझे ऐसा लगता है वहीं से मेरी जिंदगी की एक शुरुआत हुई थी। लक्ष्मी प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ड्यूरिंग हर टाइम इन द एनजीओ विद द अदर सर्वाइवर्स। उनको आगे बढ़ाना है, उनके सपनों को पूरा करना है, और सबसे बड़ी चीज ये कि वो अभी अपना चेहरा ओपन करके चले। और भी लड़कियां तो चेहरा कवर करके चलती, तो हम क्यों अपना चेहरा कवर करके चलेंगे? जैसे नॉर्मल लड़कियां वैसे हम भी हैं। जैसा मेरा फेस है ना, किसी के लिए अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है और मैं स्मार्ट हूँ। मैं भी दीपिका मैम की तरह। For me, 2.0 is really how we start looking at them and the way we start treating them equally and giving them equal opportunities. And I'm really proud of them that they rightfully have come out in the open. They deserve as much dignity and respect as you and I deserve. For me, Muhdikhai 2.0 is the fact that they can look at themselves in the mirror and smile at the reflection that's staring back at them without a blink of hesitation. It's a wrap! एक्चुअल ब्यूटी ये नहीं, एक्चुअल ब्यूटी ये। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो क्या कहूँ यार इसके बारे में,
भाई यही कह सकता हूँ जो लास्ट में बोला था कि यही स्टार्स हैं यार हम लोग, तो अच्छा फेस अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी नहीं बोलना चाहता, जो लास्ट में बोला था कि एक्चुअल ब्यूटी ये नहीं है, कि एक्चुअल ब्यूटी ये है हार्ट से दिल से है, यही कहना चाहूँगा बस मैं, और कुछ नहीं कह सकता इस वीडियो को देख के मैं। बाकी सबसे ब्रेव लोग हैं यार जो इस ख़ास तौर पर गर्ल्स जो है ना कि इस इंसिडेंट से गुजर के किस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के चलते हैं, और वही हंसी वही मुस्कुराहट। यहाँ तो एक ब्रेकअप हो जाए तो यार लोग रोने लग जाते हैं, नहीं मैंने नहीं जाना, फेलियर हो जाए तो मैंने नहीं जाना। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही बोल सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।